उपद्रवी, 70 लाख की वसूली और 30 दिन का वक्त, पैसे नहीं भरे तो योगी सरकार लेगी बड़ा एक्शन। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देश को विखंडन की ओर धकेलने की किसी भी व्यक्ति और किसी भी संगठन को इजाजत नहीं दी जा सकती है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया कि जिन लोगों ने लोकतंत्र के नाम पर आगजनी की, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, इसकी भरपाई भी उन्हीं लोगों से हम लोग करेंगे। और इसी कार्रवाई का उत्तर प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ाया है। सीए के खिलाफ लखनऊ को हिंसा की आग में जलाने वालों पर योगी सरकार ने तगड़ा शिकंजा कसा है। लखनऊ प्रशासन ने 19 दिसंबर को सीए को लेकर हिंसा और तोड़फोड़ करने वाले लोगों से वसूली के लिए फाइनल आदेश जारी कर दिए हैं। इस मामले में 16 लोगों को निशाने पर लिया गया है, जिन्हें 69,48,900 रुपए का रिकवरी नोटिस भेजा गया है। 30 दिन के अंदर इन्हें धनराशि जमा करनी होगी। ऐसा नहीं किया तो उपद्रवियों की संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी और फिर उससे रिकवरी की जाएगी। आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ लखनऊ में 19 दिसंबर 2019 को जमकर बवाल हुआ था। आगजनी और पत्थरबाजी में लाखों की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। उसके बाद लखनऊ हिंसा और तोड़फोड़ मामले में तकरीबन 29 लोगों को नोटिस भेजा गया था। इनमें से 10 आरोपी प्रशासन द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब नहीं दे सके। वहीं पूछताछ के दौरान 13 लोग निर्दोष पाए गए। अब 3 मार्च को हुई सुनवाई के बाद जवाब नहीं देने वाले 10 और 6 अन्य दोषी पाए गए। उपद्रवी यानी कुल 16 लोगों को रिकवरी के लिए आदेश जारी किया गया है। इस मामले में दोषी पाए गए सभी लोगों को जुर्माने का पैसा सरकारी खजाने में जमा कराने के आदेश दिए गए हैं, जिसके चलते दोषियों को कुल 69,48,900 रुपए की धनराशि 30 दिन के अंदर सरकारी खजाने में जमा करानी होगी। इससे पहले भी योगी सरकार कई इलाकों में ऐसे नोटिस जारी कर चुकी है और उपद्रवियों को निशाने पर ले चुकी है। और अब बारी है लखनऊ की, जिन्हें 30 दिन का वक्त मिला है। अगर वसूली हो गई तो ठीक है, वरना उनकी संपत्ति को कुर्क कर लिया जाएगा। यानी योगी के एक्शन से उपद्रवी नहीं बच पाएंगे। इस वीडियो पर आप भी अपनी राय रखिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।